समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पूरे यूपी में जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं अमरोहा में भी प्रदर्शन का खास असर देखने को मिला। यहां पर सिपाहियों ने न केवल धरना प्रदर्शन किया बल्कि सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता किशन सैनी का रुख करते हैं। किशन, सपा का प्रदर्शन, भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, इस पर क्या कहेंगे आप? समाजवादी के कार्यकर्ता वहाँ पर पहुंचे तो पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने लगी, जहर लगी, यहाँ पर बैन नहीं, वहाँ पे बचाव करने लगे। उस तरह से वहाँ पे देखे गया तो बीजेपी के खिलाफ लोगों ने, समाजवादी के कार्यकर्ताओं ने किसी तरह से कोई अन्य का जवाब नहीं मिल पा रहा है उन्हें। हालांकि कई तरह की यहाँ पर घटना हो चुकी थी, उनपे ये नव मंत्री महबूब अली वहाँ पे डीएम से मिलने गए थे। कहना ये था इनका किसी तरह के आदमी का काम नहीं हो पाता, पूरी तरह से भ्रष्टाचार सरकार में लगा हुआ। किशन, अमरोहा के किस तरह के हालात रहे सिपाहियों के धरने के दौरान? सर, बुरी तरह से हालात थे, हालात बहुत बुरी तरह से बिगड़े हुए थे, हालात की किसी तरह से सुनवाई नहीं होती। किशन, धरना प्रदर्शन कर रहे सिपाहियों की मांगे क्या क्या रही? सर, मांगा ये थी केंद्र सरकार से उनकी, ये धारा 370 जो लगाई गई थी इस पे भी उनके कई बोल थे, और आजम खां पे ये जो लगे थे कि कुछ दल है, इस तरह के इनकी कई तरह के बोल रहे थे। शुक्रिया किशन, आपका हमसे जुड़ने, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।